Hey guys, welcome to my channel Mohit's Life. और आज मैं आपसे चलते चलते बात कर रहा हूँ. अरे बारे आज मैं आपसे चलते चलते बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं क्या है कि 2-3 शोज की एक साथ कास्टिंग आई हुई है, तो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी हूँ, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोगों से प्रॉपर बैठ के सेटअप के साथ बात कर पाऊँ. तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि इन दिनों क्या है कि हम गैदरिंग करके ऑडिशन तो कंडक्ट कर नहीं सकते, ठीक है, तो हम डिजिटली ऑडिशन कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑडिशन मंगवा रहे हैं. उसमें ज़्यादातर पता है क्या परेशानी आ रही है, उसमें ये परेशानी आ रही है कि लोग ऑडिशन तो भेज रहे हैं लेकिन वो ऑडिशन सिर्फ नाम का ऑडिशन है. रीजन एक सेकेंड, रीजन ये है क्योंकि वो लोग ऑडिशन बनाते टाइम ना तो बैकग्राउंड का ध्यान देते हैं. चलो बैकग्राउंड का एक बार को मैं मान भी लेता हूँ, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है. लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो एटलीस्ट लाइट का तो प्रॉपर ध्यान रखिए. लाइट अगर आपके चेहरे पे नहीं है और मैं आपके चेहरे को अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपके ऑडिशन बना के देने का और इतनी मेहनत करने का कोई फायदा है. अगर आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो मेरा मानना है कि उसमें थोड़ा सा और एफर्ट्स डालें और लाइट में अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करें. पता है कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिनके चलते है ना एक अच्छा आर्टिस्ट भी है ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देता है, और ये उन्हीं चीजों में से एक है. अगर आप लाइट यूज नहीं करेंगे प्रॉपर, अगर आपका फेस मुझे प्रॉपर नहीं दिखेगा, तो मैं क्या कोई भी आपको सेलेक्ट करने में हिचकिचाएगा. रीजन क्योंकि वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देख पाएगा, ठीक है. आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में.